कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस आपको काफी बड़ा देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि एक स्टॉक्स का प्राइस आपको 3,000, 4,000, 6,000, 10,000, 50,000, 80,000, 1,00,000 रुपए, यहां तक कि आप देखोगे तो इससे भी ज्यादा अमाउंट का एक स्टॉक्स का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनका एनएवी का प्राइस कई ऐसे स्टॉक्स के प्राइस से भी काफी ज्यादा है। आज मैं आपके सामने 8 से 9 ऐसे म्यूचुअल फंड रखूंगा जिनके एनएवी का प्राइस 1,000 या 1,000 के ऊपर देखने को मिला है। इट मीन्स कि ऐसे म्यूचुअल फंड का एनएवी का प्राइस काफी बड़े अमाउंट के साथ है। और अगर आप यहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे 1 से 1.5 यूनिट ही सिर्फ आपको मिलेगा। लेकिन देखो, मैं पहले ही बता दूँ, किसी भी म्यूचुअल फंड के एनएवी के प्राइस के बेसिस पे हम आकलन नहीं कर सकते हैं कि वो पैसा ज़्यादा बना के देगा या कम बना के देगा। और कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर आप एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो एनएवी के प्राइस के बेसिस पे आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, कोई म्यूचुअल फंड का एनएवी 10 रुपए का है और किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी यहाँ पे 1,000 रुपए के करीब है, तो हम इन दोनों एनएवी के प्राइस के बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कभी नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, मैं आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड रखूंगा। मैं जो भी म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरी साइड से कोई भी एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके सामने कुछ डाटा रख रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक 400-500 रुपये का एनएवी का प्राइस लेता हूँ, जी हाँ, जैसे कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूँ, ये जो प्राइस देखने को मिल रहा है 453 रुपये के करीब, 1 साल का रिटर्न देखें तो 41% के करीब में रिटर्न है। और अगर मैं प्राइस में चेंजेस देखूँ तो 131 रुपये बढ़ा है। जी हाँ, 453 रुपये का एनएवी और 1 साल में 131 रुपये जंप किया है। अगर मैं एक ऐसे एनएवी का प्राइस लूँ, जी हाँ, मीडियम अमाउंट का, कह सकते हैं कि 100 रुपये, 200 रुपये के करीब में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का अगर मैं एग्जांपल लूँ, 102 रुपये का एनएवी का प्राइस देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में यहाँ पे 40% के करीब में रिटर्न है, लेकिन अमाउंट वाइज अगर आप देखोगे तो सिर्फ 29 रुपीज जंप हुए हैं। 100 रुपये का एनएवी था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% का जंप हुआ तो सिर्फ 29 रुपीज। वहाँ पे 453 रुपये का एनएवी था, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 40% के करीब में ऑलमोस्ट यहाँ 130 और 131 रुपये का जंप होता हुआ देखने को मिला। अब मैं छोटे अमाउंट के एनएवी की प्राइस का आंकलन रखता हूँ, 14 से 15 रुपये का म्यूचुअल फंड का एनएवी, जी हाँ, क्वांट लार्ज के फंड की बात करूँ, पिछले 1 साल में यहाँ पे 54% का रिटर्न है। और अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 5 रुपये जंप किया है। एनएवी के प्राइस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि ये 10 रुपये का एनएवी मिल रहा है तो ये अच्छा होगा, ज़्यादा यूनिट मिल जाएगा, ये 500 रुपये का एनएवी मिल रहा है तो यहाँ पे तो यूनिट कम मिलेगा और ये हमारे लिए सही नहीं है। कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, एक 453 रुपये का एनएवी था तो 131 रुपये, 130 रुपये का जंप मिला। 102 रुपये के एनएवी में 40% का जंप 29 रुपीज के करीब में देखने को मिला। और 10 से 15 रुपये का एनएवी में आप देखें कि कैसे सिर्फ 5 रुपये का जंप मिला यहाँ पे 54% रिटर्न के अकॉर्डिंग। तो जितना बड़ा अमाउंट के साथ एनएवी होगा, रिटर्न अगर 10% होगा तो अमाउंट भी ज़्यादा जुड़ेगा। तो एनएवी के प्राइस पे आपको कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो मैं आपके सामने डाटा रख रहा हूँ, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका एनएवी का प्राइस आप देखोगे तो 1,000 रुपये के आसपास या 1,000 से काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है। चलिए आकलन रखता हूँ कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है जिनका एनएवी का प्राइस काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ देखने को मिल रहा है। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करो और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सबसे पहले मैं आपके सामने फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड रखूंगा। डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। इस म्यूचुअल फंड का अगर हम एनएवी का प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 953 रुपये के करीब में है। जी हाँ, 953 रुपये के करीब में है। दूसरे नंबर पे मैं अगर आपके सामने डाटा रखूं आज कैप से, जी हाँ, एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करूंगा। इस म्यूचुअल फंड का एनएवी का प्राइस जो है वो 1,088 रुपीज के करीब में है, 1,088 रुपए के करीब में। तीसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जी हाँ, ईएलएसएस कैटेगरी से टैक्स सेविंग फंड, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के एनएवी की बात करें तो 1,237 रुपये का एनएवी का प्राइस देखने को मिल रहा है। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूँ तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप के अंदर फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ।
1395 रुपये का एनबी का प्राइस देखने को मिल रहा है। अगर मैं पांचवें नंबर पे बात करूं तो बिरला सनलाइफ इक्विटी हाइब्रिड फंड है 95 फंड, जो कि देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड के एनबी का प्राइस 1439 रुपये के करीब में देखने को मिल रहा है। अगर मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करूं, आदित्य बिरला सनलाइफ फ्लेक्सी के फंड है 1650 रुपये का एनबी का प्राइस देखने को मिल रहा है। वैसे ही मैं अगले म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहां पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। इस म्यूचुअल फंड का एनएबी का प्राइस 1732 रुपये देखने को मिल रहा है। इट मींस कि एक यूनिट आपको यहां पे 1732 रुपये के करीब में देखने को मिलेगा। इट मींस कि अगर आप 1000 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको पूरा यूनिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, 0.65-0.68 यूनिट आपको यहाँ पे लोड होता हुआ देखने को मिलेगा। अगले म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है। इस म्यूचुअल फंड के एनएवी की प्राइस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2435 रुपये देखने को मिल रहा है। अगले म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे 5000 रुपये लगाते हो तो 1 से 1.5 यूनिट आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। मैं किस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, एक मिड कैप कैटेगरी से, जी हाँ, निपोन इंडिया ग्रोथ फंड की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 यूनिट के प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 3572 रुपये का 1 यूनिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये 8 से 9 म्यूचुअल फंड थे जिनका एनएबी का प्राइस काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, एनएबी काफी बड़ा है, एनएबी का अमाउंट काफी बड़ा है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पे निपोन इंडिया ग्रोथ म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो सिर्फ 1 महीने में 4 से 5% का रिटर्न है, और अगर आप अमाउंट वाइज देखोगे तो 164 रुपये जंप किया है। अगर वही 10 रुपये के एनएबी का प्राइस में यहाँ पे 5% का आपको जंप मिलेगा, उसका जो आपको अमाउंट वाइज जंप होता हुआ देखने को मिलेगा सिर्फ 50 पैसे के करीब में। तो अगर एक 500 रुपये का एनएबी का प्राइस है तो अगर वो 10% जंप होगा तो 50 रुपये होगा। एक 10 रुपये का एनएबी का प्राइस है, अगर वो 10% जंप होगा तो 1 रुपये जंप होगा। तो कभी भी आपको यहाँ पे एनएबी के प्राइस के बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं निपोन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करूँ, 3500 समथिंग रुपये का यहाँ पे एनएबी का प्राइस है। अब कई ऐसे न्यू इन्वेस्टर होते हैं, देखते हैं अरे इतना बड़ा एनएबी का प्राइस, यहाँ तो मैं 1000 रुपये लगाऊंगा तो 1 यूनिट भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊँ, 10 रुपये यूनिट वाले म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। जबकि ऐसा नहीं है, आप जैसे कोई स्टॉक्स उठा लो, अगर उस स्टॉक्स का प्राइस 6000 रुपये के करीब में है तो भी वहाँ पे इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, अगर वो 10% भी जंप होगा तो 600 रुपये आपको बना के देगा। अगर आप एक 60 रुपये का स्टॉक्स खरीदते हो, अगर वो 10% जंप करेगा तो सिर्फ 6 रुपये ही बना के आपको देगा। तो 600 रुपये वहाँ बन रहा है, यहाँ पे 6 रुपये बन रहा है। जितना ज़्यादा पैसा लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पैसा जंप भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।